हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। देखते हैं बाजार ने आज कैसा परफॉर्म किया, देखेंगे हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही। हमने लाइव सेशन जो किया था 9:15 पे, वहां पे हम लोगों ने लाइव एनालिसिस करने की कोशिश की थी कि निफ्टी कहां से कहां जा सकती है। मार्केट आज फिर गैप से खुली थी, एक खराब बाजार था, 1.5% के आसपास बाजार माइनस में था, सभी इंडेक्सेस माइनस में थे। वहां पे वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट शुड कम आउट 300। विश्वास नहीं होता, जस्ट गिव मी जस्ट 1 मिनट 60 सेकेंड्स कि हमने मॉर्निंग में क्या बोला था। दिस इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द लाइव सेशन। देखिए सुबह 6 घंटे हो गए हैं और दिस इज एग्जैक्टली 4 o'clock नाउ, 4:05 आई एम मेकिंग दिस वीडियो, और 6 घंटे से ऊपर ये वीडियो हो चुका है, स्ट्रीम हो चुका है, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आप जाने की कोशिश करते हैं, यू कैन स्किप दिस वीडियो अराउंड से 6 मिनट्स, तो यू कैन लिसन टू वॉट आई सेड देयर। 200 के ऊपर एक बार आ जाना चाहिए। लेट अस वॉच, दिस इज 16,180 विच इज प्रिवेलिंग राइट नाउ। और बाजार में अभी ऑप्शन चेन में हमारा सेलिंग प्रेशर, देखिए ऑप्शन चेन को हम क्यों रेफर करते हैं, व्हाट आई कंसीडर इज ऑप्शन चेन इज द बेस्ट टूल वेर यू एक्चुअली गेट टू नो कि व्हाट FIs आर डूइंग, व्हाट DIs आर डूइंग, और व्हाट स्मार्ट मनी इज डूइंग, व्हाट हेजर्स आर डूइंग, जो हेजिंग करते हैं, बड़ी बड़ी पोजिशंस बनाते हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनका मूड क्या है, जो मार्केट मेकर्स हैं। प्राइस कैसे मेक होता है, प्राइस कैसे बनता है, कि जब उनको मालूम है कि हमें इक्विटी परचेज करनी है, अब बायर नोज दैट आई हैव टू बाय निफ्टी 50 स्टॉक्स और मुझे एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, या मुझे मार्केट में पैसा पंप करना है या डंप करना है, देन दे क्रिएट द काउंटर पोजिशंस इन ऑप्शंस। हम लोग ब्लाइंडली नेकेड ऑप्शंस को ट्रीट करते हैं, हम लोग विदाउट नॉलेज ट्रीट करते हैं, दिस इज रियली रिस्की। बट अगर हमको नॉलेज हो कि कहाँ पे क्या खेल चल रहा है, देन वी कैन रियली लुक फॉर सम अपॉर्चुनिटीज। गाइज, मैंने अभी आप लोगों का किसी का भी नाम नहीं लिया है, बट वेलकम यू ऑल। अभी गाइज आप यहाँ देख सकते हैं 9:22 टाइमर मैंने लगा के रखा था, मॉर्निंग के 9:22 सुबह 9:22 की वीडियो। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जिसको विश्वास ना हो तो दे कैन एक्चुअली फाइंड आउट कि दिस इज द टाइम 9:22 और ये एग्जैक्ट टाइमर है 9:22 सुबह का बाजार है। लाइव सेशन 9:15 पे डेली होता है। लुक व्हाट आई सेड फर्दर, वी एक एक से मिलेंगे, ठीक है। सो गिव मी जस्ट फ्यू मिनट्स बिकॉज दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल। किसी एक स्टूडेंट ने लिखा कि सर डर लग रहा है। शिवून, डरने नहीं दूंगा भाई, बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है। मार्केट हमारे सामने से चलेगी, जब भी चलेगी। मार्केट्स आर अंडर प्रेशर, मार्केट्स में सेलिंग बन रही है, शॉर्ट बिल्डअप बन रहा है, बट फॉर श्योर अभी के लिए आई कैन से कि मार्केट में एक पुल बैक जो आएगा, अभी एज ऑफ नाउ आई कैन एक्सपेक्ट अ पुल बैक, एंड दैट पुल बैक कैन गो अबाउट 300 एज वेल। दोस्तों सुना आपने, मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा दिस पुल बैक कैन गो अबाउट 300 एज वेल, एंड वट मार्केट डिड। एक बार बाजार को देख लेते हैं, दिस वॉज अ टाइम 9:22, कौन सा कैंडल होगा, ये देखिए दूसरा तीसरा कैंडल, ये सेकेंड कैंडल 9:20, 9:25 का जो 5 मिनट का थर्ड कैंडल है, अगर आप इसको 1 मिनट के ऊपर जाएंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा इस। ये देखिए 1 मिनट के कैंडल पे अगर आज का 9 तारीख का 9:22 अगर देखने की कोशिश करेंगे, तो यू विल गेट टू नो कि वट एग्जैक्टली आई सेड एट वट टाइम 9:22। लुक एट दिस प्राइस 9:22, दिस वॉज द प्राइस राइट 16,174 के आसपास में बाजार था। आप उस लाइव सेशन को पूरा सुनिएगा, मैंने कहा कि बाजार थोड़ा सा नीचे जाएगा, ठीक है जा सकता है, 16,129 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट बाजार ने लो लगाया 16,140 के आसपास का, ठीक है उसके नीचे बाजार नहीं गया, एंड वी हैड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट 129, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट मार्केट्स विल बाउंस बैक। पूरे दिन बाजार साइडवेज रहते हुए एंड मार्केट वेंट एंड टच 402 एज वेल। Guys, how is this possible? This was possible only and only with the help of option chain, nothing else. कोई इंडिकेटर नहीं, आप पूरा का पूरा लाइव सेशन देख सकते हैं, और ये डेली हम करते हैं, डेली हमारी हैबिट हो गई ये सब करने की। डेली एक ट्रेड निफ्टी का 50-60 पॉइंट्स का, तो सुबह सुबह के 10 मिनट के अंदर ही आपको देखे जाता हूं मैं, या 1 घंटे के अंदर आपको कम से कम 50-60-70 पॉइंट तो मिलते ही मिलते हैं, बहुत ही क्लियर मिलते हैं। तो आप भी आइए, दोस्तों को भी लेकर आइए, दिस इज नो ब्लफ, ठीक है, बिकॉज आई बिलीव इन डाटा। मैं जब से क्लासेस ले रहा हूँ सिंस लास्ट 5 ईयर्स आई हैड बीन टीचिंग ओनली ऑप्शन चेन। दुख होता है जब लोग ऑप्शन चेन के ऊपर मेहनत नहीं करते हैं, जैसे कि नहीं ऑप्शन चेन बकवास है, मज़ा नहीं आता, बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि शायद मैं आपको एक ऐसी चीज़ देने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको शायद ही कहीं मिलेगी। पीपल आर वर्किंग ब्लाइंडली ओनली ऑन इंडिकेटर्स, एंड इंडिकेटर्स डोंट हेल्प। इंडिकेटर्स बनते हैं, इंडिकेटर्स में एक फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है, बट लाइव ऑप्शन चेन आपको ये समझाती है भाई डेटा क्या बोल रहा है, एंड डेटा किसका है, डेटा है मिलियनर्स का, बिलियनर्स का, स्मार्ट मनी का, FIs का, DIs का, हेजर्स का, ये बड़े लोगों का, बड़े इन्वेस्टर्स का, सोच के देखिए बड़े बड़े ट्रेडर्स का, ये उनका डेटा है जो लाखों करोड़ों रुपए अरबों रुपए ऑप्शन चेन के ऊपर लगा रहे हैं। ऑप्शन चेन है क्या, ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट मतलब उनका इंटरेस्ट ओपन है किसी ट्रेड के लिए, वो कोई ऐसा ट्रेड बना रहे हैं या तो मूवमेंट ऊपर का करना चाहते हैं या मूवमेंट नीचे का करना चाहते हैं। वेन वी स्टडी ऑप्शन चेन वेरी वेरी केयरफुली, वी एक्चुअली कम टू नो कि भाई क्या होने वाला है। दोस्तों मैं आपको कहता हूँ कि आप इतना पैसा लॉसेज में, M2M लॉसेज में बर्बाद मत करो, एक बार क्लासेस में आ जाओ, आपको मैं वो चीज़ देने वाला हूँ जो मुझे आती है, बिल्कुल अपनी जैसा बनाना चाहता हूँ।
बनेंगे आप सिर्फ प्रैक्टिस के बाद ही, रात रात चमत्कार कुछ नहीं होने वाला, बट आई कैन प्रॉमिस यू दैट आई विल गिव यू द बेस्ट ऑफ द मेथड टू आइडेंटिफाई स्पेशली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड हाउ टू ट्रेड ऑप्शंस। आप देखिए 9:22 पे एग्जैक्टली एग्जैक्टली अगर उसी टाइम पे हमने, जिस टाइम 16,170 के आसपास का बाजार चल रहा था, 16,130-140 के आसपास मार्केट आई, 16,100 की अगर हमने कॉल को ट्रेड लिया होता, कॉल को, क्योंकि इन द मनी को लेना हमेशा मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर उसी टाइम पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे 16:22 के आसपास में जो हमारी कॉल ऑप्शंस थी, दैट वाज ट्रेडिंग अराउंड 219 का हाई लगा था, 202 का लो लगा था, तो 217 पे ओपनिंग हुई थी, क्लोजिंग 203 की हुई थी। तो अगर आप कहीं 220 के हाई पे भी इसको पकड़ते, 220 में अगर आपकी एक इन्वेस्टमेंट होती तो 11,000 रुपये की आपकी ऑप्शन में एक इन्वेस्टमेंट होनी थी एक लॉट के अंदर में, और आपको प्रॉफिट कितना आता है। जब मैंने कहा था 300 के लेवल के आसपास बाजार चला जाएगा, तो आपको 350 रुपीज़ तक का तो ऑप्शन बिका ही बिका है, इनफैक्ट वो 367 का बिका है। 200 का ऑप्शन अगर आपको 350 बिक रहा है, कितना पैसा आपको मिल रहा है आप सोच सकते हैं। ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 11,000 यू आर मेकिंग 7,500 पर लॉट, दैट टू श्योर, बिल्कुल श्योर होने के बाद भी। तो ऐसी चीज़ें अगर आपको करनी है, ऑप्शंस में कभी नुकसान नहीं होगा आपको, मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ, बट सही समय पर एंट्री इंपॉर्टेंट है। Who says ki naked buying of options is very very dangerous? Who says? It is dangerous when you do not know anything. जब आप 24 घंटे अल्फा बीटा गामा थीटा ग्रीक्स के पीछे पड़े रहेंगे, आपको ये मालूम ही नहीं है ट्रेंड क्या है, कहाँ से बाउंस बैक आने वाला है, तो कोई भी ऑप्शन आपको नुकसान करेगी। जितना मर्जी आप अल्फा बीटा गामा पढ़ लीजिए, आपको कोई ग्रीक्स हेल्प नहीं करने वाले हैं जब तक when you do not know the crunch. जब तक यू डू नॉट नो वेन एंड वाई द मार्केट्स आर बाउंसिंग, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ ऑप्शन चेन। गाइस बिलीव मी दिस इज द डेटा, वी आर लकी टू हैव दिस डेटा, क्योंकि फ्री में अगर एनएससी का ऑप्शन चेन हमें मिल रहा है तो ये कमाल की बात है। पेड सॉफ्टवेयर भी हैं, ठीक है ना, पेड सॉफ्टवेयर भी आप ले सकते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर, बहुत सारे पेड सॉफ्टवेयर हैं जो डेटा और भी फास्ट रिफ्रेश करते हैं। आई वुड लव टू यूज दो सॉफ्टवेयर समटाइम्स, अगर मैं यूज करूँगा तो आपको भी जरूर बताऊंगा मैं, है ना। आई वुड लाइक टू मेक योर लाइफ इजी एज पॉसिबल, बट एज ऑफ नाउ अगर आप वो परचेज नहीं कर सकते, उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, गाइस दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट ऑप्शन चेन। अब बाजार में क्या लग रहा है, अब बाजार को देखने की कोशिश क्लियर करेंगे बहुत अच्छे से। अब बाजार के ऊपर में 350 के आसपास में एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल था, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई ही आई है। 200 का सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग हुआ था, जो जाते जाते थोड़ा सा हल्का पड़ा है, अभी 200 का सपोर्ट बाजार ने मेंटेन किया है। तो अगर निफ्टी 16,200 के नीचे आएगी तो हम पैनिक करेंगे, पर हाल फिलहाल में 300 और 384 के आसपास का एक लेवल है। 384 के ऊपर अगर बाजार चलता है, जैसे 400 का आज हाई मारा था, इसके ऊपर चलेगा तो बाजार में बाइंग में बैठने वाले हैं। नीचे में अगर आएगा तो हम बॉटम फिशिंग करने की कोशिश करेंगे, कहीं 250 के आसपास बाजार मिलता है तो बाइंग करने की कोशिश करेंगे। यही हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, यही हमारा प्लान रहेगा, इसी के ऊपर हम ट्रेड करने वाले। देन प्लान फॉर टुमोरोज एक्टिविटी विल बी, इफ निफ्टी कम्स अराउंड 250, वी माइट गो लॉन्ग, बट ओनली एंड ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द ऑप्शन चेन। आपको नहीं करना आता है, मुझसे मिलिए 9:15, आप भी आइए, दोस्तों को भी लेकर आइए, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए गाइस, लोगों को बताइए कि हाँ ये भी एक ऐसा सेशन है जहाँ पे हम बहुत ही डिफरेंट तरीके से मार्केट को स्टडी करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त रीडिंग रहती है हम लोगों की। तो यहाँ पे निफ्टी के लिए हमारा जो लेवल रहेगा दैट विल बी 16,250, वेरी वेरी क्रूशियल लेवल टू वॉच। अगर उसके ऊपर बाजार रहता है विल गो लॉन्ग, और उसके नीचे रहेगा तो विल गो शॉर्ट, राइट। एंड इफ यू टॉक अबाउट बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी के ऊपर भी हम लोग वेरी क्लियर कि 34,000 के ऊपर बाजार रहेगा तो ठीक है, 34,000 के ऊपर बाजार निकला, वहाँ से 34,000 का ही सपोर्ट उसने लिया, दिस वॉज वेरी वेरी एविटेबल इन द मार्केट की, बट 34,000 के ऊपर बाजार चलता, सुबह एक रेजिस्टेंस था जिस रेजिस्टेंस को बाजार ने धीरे धीरे क्रॉस किया। 10:30 पे मैंने लाइव सेशन ऑफ किया था, उसके बाद मैं आई वॉज वॉचिंग कंटिन्यूसली द ऑप्शन चेन, आई कुड सी कि 34,000 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन रहा है। 34,000 के ऊपर में बाजार ने बहुत अच्छी रैली दी और 34,500 तक भी बाजार गया है। तो नाउ 34,300 के आसपास में बाजार चल रहा है। इनको और अच्छे से देखने के लिए इफ़ वी रेफर अवर कैलकुलेटर, द ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर, व्हाट इट सेज इज, इसमें भी एक लेवल चेक कर लेते हैं, बहुत आसान है, इसमें आपको लेवल्स निकाल लेना। निफ्टी का अगर देखेंगे तो देखिए 3384 के ऊपर जाएगा बाजार, तो बहुत ही तेज़ होने वाला है, और 16,256 का ही सपोर्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और उसके नीचे जाएगा तो वहाँ फिर देखेंगे क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, लुकिंग एट द सिनेरियो ऑफ द ऑप्शन चेन ओनली, राइट, ठीक है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में इफ यू सी जो ब्रेकआउट आएगा 34,600 के ऊपर ही ब्रेकआउट आएगा, उसके पहले ब्रेकआउट नहीं रहेगा, फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। नीचे में 34,400 के आसपास में बाजार मिलता है तो हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे कुछ मिलेगा। 34,309 के आसपास की क्लोजिंग फिलहाल दिखाई दे रहा है तो इसको भी ब्रीच किया हुआ है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 34,225, इसके नीचे चलेगा बाजार, कंसल्ट करेंगे ऑप्शन चेन से, देखते हैं क्या बाजार बनता है। दोस्तों हम भविष्यवाणी करने में विश्वास नहीं करते, हम बात करते हैं डेटा को रीड करने की। तो डेटा अगर मान लो इसके नीचे वीक होगा तो हम भी वीक हो जाएंगे, वी विल गो विद द ट्रेंड, बिकॉज इफ यू ट्रेड विद द ट्रेंड यू मेक मनी, एंड दीज आर द लेवल एनालिसिस फॉर यू गाइस। प्लीज डू योर ओन एनालिसिस बिफोर टेकिंग एनी ऑफ द ट्रेडिंग डिसीजन, बिकॉज
आई डोंट गारंटी लॉसेस और प्रॉफिट्स ऑन दीज लेवल्स, दीज लेवल्स आर ओनली फॉर स्टडी एंड लर्निंग पर्पज। तो आप भी सीखिए, दोस्तों को भी सिखाइए, और प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं जैसे मैं करता हूँ, देन मुंबई क्लास इज वेटिंग फॉर यू। मुंबई क्लास हमारी 29 मई को है, 29th में, वन डे पावर पैक मास्टर क्लास, राइट? इट इज अ मास्टर क्लास, आई विल मेक यू मास्टर इन ऑप्शन चेन, डोंट यू वरी अबाउट दैट, राइट? सो सी यू सून इन मुंबई एट 29th ऑफ मे। पुराने स्टूडेंट्स को सुन रहे हैं, आइए रिपीट कीजिए, एंजॉय कीजिए। एक साल का TDC आपका एक्सटेंड हो जाएगा, और एक साल की आपकी बेस्ट स्टॉक डिलीवरी भी सर्विस भी स्टार्ट हो जाएगी। और जब तक मैं स्टॉक डिलीवरी सर्विस में स्टॉक्स नहीं डालता हूँ, जब तक मैं कन्विक्शन नहीं हो जाती है मुझे, तो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको किसी एक दो महीने अगर आपको स्टॉक्स नहीं मिल रहे तो नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं, आपकी सर्विस एक्सटेंड हो जाएगी, मेरे साथ लॉस कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? तो गो एंड ज्वाइन दिस लाइव सेशन एट 9:15 एंड मुंबई सेशन ऑन 29th ऑफ मे। सी यू, बाय बाय।